नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारे जो भी साधक हमारे गुरु पूर्णिमा वाले प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए बताया था, जिससे कि वो अपने घर को और अपने आप को तंत्र बाधा से मुक्त कर सकें। क्योंकि मित्रों, हमारे जितने भी तंत्र मंत्र के साधक साधना करते करते परेशान हैं, पूजा पाठ करते करते परेशान हैं, लेकिन किसी भी शक्ति का आभास नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी शक्ति का उनको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके घर में तंत्र बाधा लगी हुई है, आपके शरीर में किसी तांत्रिक द्वारा बंधन लगाया हुआ है, या किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा आपके शरीर में मौजूद है, और आप उसी घर में रह करके और पूजा पाठ कर रहे हैं, सिद्धि साधना कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी भी देवी या देवता का आशीर्वाद प्राप्त कहाँ से होगा, कहाँ से आपकी साधना सफल होगी? मित्रों, इसलिए सबसे पहले अपने घर को तंत्र बाधा से फ्रेश करना बहुत जरूरी होता है, और अपने शरीर को भी फ्रेश करना इस तंत्र मंत्र साधना के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, तो जितने भाई बहनों ने वो सामान इकट्ठा कर लिया है, वो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। उसमें मैंने घर को फ्रेश करने के लिए भी सामान बताया था और अपने आप को भी फ्रेश करने के लिए सामान बताया था। मित्रों, घर के फ्रेश करने के लिए मैंने गौमूत्र, गुलाब जल और नदी का पानी, ये तीन चीज़ें बताई थी। इनमें से अगर नदी का पानी मिल जाता है तो गुलाब जल को एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, अगर गुलाब जल मिल जाता है तो फिर नदी का पानी लाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, अब आपको करना क्या है, घर को पहले फ्रेश करना है। जैसे ही आपका घर फ्रेश होगा, फिर आपके घर में रौनक आ जाएगी। घर को फ्रेश करने के लिए आपको शनिवार और सोमवार दो दिन का चयन करना होगा, और आपको एक मिट्टी का पात्र लेके आना है, जैसे कुल्हड़ वगैरह होता है, या कोई बड़ा पात्र भी ले सकते हैं। उसमें आपको कम से कम 50-100 ग्राम गौमूत्र करना है, उसमें आपको गुलाब जल या किसी नदी का पानी उसमें उतना ही मिलाना है, और उसमें आप एक नींबू काट करके निचोड़ दें। नींबू के अंदर एक लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा सिंदूर डाल करके और पूरा नींबू उसमें निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद में आप उस जल को, गौमूत्र को, पूरे घर में शनिवार और सोमवार को छिड़काव करें। छिड़काव करते समय आपको एक मंत्र का जाप करते रहना है। मंत्र है, काटन हारी काटन काट, काली भैरो एक ही साथ, शब्द सांचा पिंड कांचा, मेरे गुरु का शब्द सांचा। मित्रों, इस मंत्र को आप गौमूत्र पूरे घर के अंदर छिड़कते जाएं और इस मंत्र को पढ़ते जाएं। यह विधि आपको सोमवार और शनिवार, गुरु पूर्णिमा तक जितने भी सोमवार और शनिवार पढ़ेंगे, यह विधि आपको करते रहना है, जिससे कि आपका घर तंत्र बाधा से मुक्त हो जाएगा। शाम के समय रात्रि को एक देसी घी का दीपक जला करके अपने पूजा वाले स्थान में जरूर रखें, जिससे कि आपके घर में आई हुई तंत्र बाधा तत्काल ही बाहर हो जाएगी। अब मित्रों, अपने आप को फ्रेश करने के लिए जो आपने सामान इकट्ठा किया है, अमरबेल, लौंग का तेल, सरसों का तेल, केसर और नमक, ये जो सामान मैंने अपने आप को फ्रेश करने के लिए बताया है, अगर आपके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा लगी हुई है, कोई भी प्रेत बाधा लगी हुई है, या किसी तांत्रिक के द्वारा आपके अंदर कोई जादू टोना भेजा गया है, तो ये सब नष्ट करने के लिए इस सामान का आपको प्रयोग कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से समझ लें। मित्रों, आपको शुक्रवार और शनिवार दो दिन यह विधि करनी है। शुक्रवार शनिवार को आप एक बाल्टी जल भरें, और जल भरने के बाद उसमें 50 ग्राम अमरबेल कुचल करके डाल दें। अब उसमें 5 बूंद लौंग का तेल, जो आपने लौंग का तेल लेकर के रखा है, तो 5 बूंद लौंग का तेल उसी में डालें, 5 बूंद सरसों का तेल डालें, और केसर की डिब्बी से थोड़ी सी केसर निकाल करके उसमें डाल दें, और 1 चम्मच नमक, ये सब डाल करके, और आपको उस जल से स्नान करना है। स्नान आपको
दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच करना है। उसमें से जैसे ही लोटा जल भरें, अपने चोटी से डालते जाएं और इसी मंत्र का, जो मैंने आपको घर को फ्रेश करने के लिए बताया है, उसी मंत्र का जाप करते जाएं। मंत्र वही है, काटन हारी काटन काट, काली भैरो एक ही साथ, शब्द सांचा पिंड कांचा, मेरे गुरु का शब्द सांचा। मित्रों, इस मंत्र को पढ़ते जाएं और उस जल से स्नान करते जाएं। यह स्नान विधि शुक्रवार और शनिवार को करनी है। जब तक गुरु पूर्णिमा नहीं आ जाती, तब तक घर में करने वाली विधि और अपने ऊपर करने वाली विधि को करते रहना है। इससे आप देखेंगे कि आपके घर की तंत्र बाधा कैसे बाहर होती है, आपके शरीर की बाधा नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर होती है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगे, आपके घर में रौनक आ जाएगी, एक खुशहाली का माहौल बन जाएगा। मित्रों, जैसे ही घर और आपका शरीर फ्रेश होता है, तो बस हमारा अगला वीडियो आने का इंतजार करें कि गुरु पूर्णिमा से पहले ही हम एक वीडियो डालेंगे, जिसमें आपको फ्री 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 शक्ति ट्रांसफर के लिए जो हम शक्ति आपको भेजेंगे, जब आपका घर फ्रेश होगा और आप फ्रेश होंगे, तभी वो शक्ति आपके पास टिक पाएगी। तो उस शक्ति के लिए आपको क्या क्या सामान लेकर के गुरु पूर्णिमा के दिन तैयार रहना है, इसके लिए चैनल पर हमेशा अपडेट रहें, वीडियो को देखते रहें कौन सा वीडियो कब आ जाए। मित्रों, और ये घर को फ्रेश करने वाली विधि और अपने आप को फ्रेश करने वाली विधि, ये हमारे जितने भी नए साधक हैं, अगर उनके घर में कोई प्रेत बाधा है या शरीर के अंदर प्रेत बाधा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी इस विधि को करके पूर्णतया लाभ ले सकते हैं और अपने घर की तंत्र बाधा को हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। तो मित्रों, यह ऐसी विधि है जो कि प्राचीन विधि और अचूक विधि है। इनके प्रयोग करने से आपके घर की सारी तंत्र बाधा, आपके शरीर की सारी तंत्र बाधा एक झटके में बाहर हो जाती है। तो इस विधि का प्रयोग करें और इसका पूरा पूरा लाभ लें। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।